नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूँ स्वाति चौरसिया। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बिहार में पिछली बार नीतीश कुमार, राजद और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और 1.5 साल बाद सरकार बदल गई। अभी तो नतीजे आए हैं, उसमें ना किसी को हराया है ना ही किसी को जिताया है, इसलिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले समय आपने देखा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार और जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस मिलकर लड़े थे, लेकिन 1.5 साल बाद सरकार बदल गई। और अभी जो रिजल्ट आए हैं वो न किसी को जिताया है न किसी को हराया है, तो इसलिए कोई भी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। और नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए गश्त सर्चिंग पर रवाना हुई, आपको बता दें, पुलिस की टीम। और क्या कुछ हुआ है वहां पर, सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की याद में ये नक्सली स्मारक माओवादियों ने आमाबेड़ा के धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बनाया था। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा नक्सली क्षेत्रों में लगातार गश्त सर्चिंग की जा रही है, जिससे नक्सली अपने नापाक मंसूबे में कामयाब ना हो सके। और मध्य प्रदेश के इंदौर के सेंट्रल जेल में बंद नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही। 5 लाख की बैंक गारंटी पर एसडीएम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कंप्यूटर बाबा जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज कर दिया गया है, जिसके तहत जेल ही से उनकी गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार जेल में ही बाबा की दिवाली मनेगी। एक एफआईआर आज गांधीनगर थाने में हुई है पंचायत सचिव की रिपोर्ट पर, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि जब वो शासकीय जो पंचायत की जमीन, शासकीय जमीन थी, उसके इंक्रोचमेंट के संबंध में गए थे, तो वहाँ पर उनके साथ अभद्रता की गई, शासकीय कार्य में बाधा डाली गई, उनको रोका गया, धक्का मुक्की उनके साथ की गई। इस रिपोर्ट को पर प्रथम दृष्टया जो एफआईआर बनती है वो एफआईआर दर्ज की गई है 353, 186, 323 और एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कायमी करके विवेचना में लिया गया है। और जो मुख्य आरोपी हैं वो चूंकि पहले से ही किसी अन्य मामले में हैं, तो और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टर और कमिश्नर के साथ बैठक की और राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि अपने मध्य प्रदेश के विकास के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश का एक रोड मैप जारी किया है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप। ये कोई कागज पर लिखा दस्तावेज नहीं है, यह हमारा वज्र संकल्प नीचे उतारने का। जनता ने हमें अभूतपूर्व जनादेश दिया है और बिना एक क्षण गवाए हम पूरी क्षमता से अपने आप को समर्पित। और वहीं मध्य प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा वार किया है। सिंधिया पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा है कि जनता ने उन्हें उनके ही घर की 7 सीटों पर हरा दिया। ग्वालियर चंबल का इलाका ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, लेकिन इसी क्षेत्र में उनके उम्मीदवारों की हार हुई है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि हमने कहा था कि गद्दारों को सबक सिखाओ, जनता ने सिंधिया को उनके घर की 7 सीटों पर पराजित कर दिया है। निर्णय साफ है, गद्दारी नहीं माफ है। सरकार गिरने के बाद से ही कांग्रेस के लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहते रहे हैं। क्षेत्र समस्या और भ्रष्टाचार को लेकर के क्षेत्र समिति दल जहां नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पूर्व सक्रिय हुए, तो प्रदेश भर से विभिन्न संगठनों और ग्रामीणों की शिकायत समस्या सामने आ रही है, जिसे एनबी न्यूज प्रमुखता से जमीनी हकीकत पड़ताल के बाद दिखा रहा है। राजधानी भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के पूर्व जगह जगह जन समस्याओं को लेकर के विभिन्न मोहल्ले समितियों आवाज उठा रही है, तो कई क्रमबद्ध आंदोलन भी सामने आने लगे हैं जो सरकार के जिम्मेदारी की पोल खोल रहे हैं।
मूलभूत सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, कोई सुविधा नहीं मिली सर। यहाँ तो मतलब कि अपने अपने मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाल रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ रोजगार की कोई फैक्ट्री नहीं, आप आ गया जी, यहाँ पर आपको मजदूरी रोजगार कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। बेसिकली हमारी अवधपुरी क्षेत्र की जो कनेक्टिंग रोड है, TNCP की जो अप्रूव्ड रोड है, उनको बनाए जाने हेतु सरकार और प्रशासन से गुहार लगाने के लिए है। पिछले 25 दिन से हम लोग इस हेतु एक आंदोलन चला रहे थे, हस्ताक्षर अभियान, और हस्ताक्षर अभियान का असर ये हुआ कि 5,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ आ गए और हमने इस ओर कदम बढ़ाया। उसके वजह से हमारे विधायक माननीय दीदी कृष्णा गौर जी, उनका सहयोग मिला और हमने सभी तरफ से TNCP के लोगों को बुला करके उनके सहयोग से हमने कनेक्टिंग रोड थी उनका सीमांकन कराया। जो सीमांकन 15 साल से नहीं हुआ था उसका फिर से सीमांकन हुआ। जो रोड डेड पड़ी थी 15 साल से, कोई ध्यान नहीं था, वो हो गया। इसके बाद DRM रोड जो सबसे प्रमुख रोड है, क्योंकि वो एक ऐसी लाइफलाइन है वहाँ की, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर अवधपुरी परिक्षेत्र की जो विकास है उसकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। उसके लिए हर साल की तरह इस बार भी BJP के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने धनतेरस पर अपनी पैतृक दुकान संभाली। विजयवर्गीय न सिर्फ दुकान पर बैठे बल्कि ग्राहकों को सामान भी तोल करके दिया और पैसे भी काटे। आपको बता दें कि BJP के राष्ट्रीय महासचिव हर साल दिवाली के मौके पर अलग किरदार में दिखते हैं। वो किरदार है एक दुकानदार का। हर साल वो अपनी पुश्तैनी दुकान की गद्दी पर बैठ करके एक आम दुकानदार की तरह राशन बेचते नजर आते हैं। कैलाश विजयवर्गीय की माने तो राजनीति के अलावा उनका अपनी दुकान से एक अलग लगाव है। यही कारण है कि दिवाली और धनतेरस पर वो अपनी दुकान पर जरूर आते हैं और दुकान को संभालते हैं। 1400 दीपावली, तीनों दिन की पूजा यहीं पर करते हैं। दीपावली पूजन परिवार के साथ करते हैं। पूरा परिवार हमारा यहाँ आता है और हम लोग दीपावली की पूजा करते हैं। ये हमारी शुरू से परंपरा रही है, क्योंकि ये जो हमारी माता जी, इनको दुकान माता कहती थी, जो हमारे रगों में रक्त है, खून है, ये इस दुकान माता की कमाई से ही है। इसलिए हम इनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, ऋणी रहते हैं और हम मानते हैं कि और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ANB न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। मध्य प्रदेश के इंदौर के टाटपट्टी बाखल निवासी एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने शाहरुख याकूब काला को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने युवती और परिजनों की हत्या की धमकी देकर के दुष्कर्म किया और फिर युवती गर्भवती हो गई और बेटी को उसने जन्म दिया। जानकारी के मुताबिक युवती ने बयान में बताया है कि पिछले वर्ष 11 दिसंबर को परिजन सोनकच्छ शादी में गए थे और आरोपित शाहरुख ने घर की छत पर ले जा करके जान से मारने की धमकी दी और शारीरिक संबंध बनाए। इस घटना के बाद भी आरोपित ने कई बार दुष्कर्म किया। युवती गर्भवती हुई तो आरोपी के बारे में पता चला और उसे गर्भ निरोधक गोलियां खिलाई गई। आरोपी ने उसको ये गोलियां दी, कुछ समय बाद उसने बेटी को जन्म दिया है। और मध्य प्रदेश के रीवा जिले के पनवार थाना अंतर्गत जिरोहा गांव के मोड़ पर दर्दनाक हादसा हो गया है। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। दरअसल बीती रात 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पनवार में जो कल वाहन दुर्घटना हुई थी, आज देर रात जो है एक घायल महिला थी, उसकी भी मौत हो गई। इस प्रकार से कुल 6 लोगों की मौत हुई, जो दोनों सभी लोगों का
शव का पंचनामा कराया जा चुका है, शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और इस घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी के बैरार थाना अंतर्गत 10 नवंबर को सोयाबीन से भरा ट्रक बैरार से मोरैना की ओर निकला था, लेकिन ट्रक रास्ते में ही लापता हो गया। ट्रक में भरे सोयाबीन की कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही। वहीं देर रात सोयाबीन व्यापारी ने ट्रक लापता होने की शिकायत बैरार थाने में दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस ने देर रात व्यापारी की शिकायत पर धारा 406 के तहत FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि अगली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन में उज्जैन से आ रही, जहां पर दीपावली पर्व पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर को सजा दिया गया है। दरअसल मान्यता है कि विश्व भर में प्रत्येक त्योहारों की शुरुआत सर्वप्रथम बाबा महाकाल के प्रांगण से ही होती है। बता दें कि इस बार पूरे देश पर कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग दीपावली की पूरी तैयारियां कर रहे हैं और इस दीपावली के मौके पर धूमधाम से दिवाली मनाने की तैयारियां हो चुकी हैं। इस बार हमने कोविड-19 का पालन किया है। महामारी को देखते हुए हमने हमारे पूर्वजों की संख्या भी कम की है एवं सामान्य रूप से मन जो परंपरागत पूजा होती है उसी का निर्वाह किया है। और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के महाप्रबंधक संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। वर्ष 2007-08 में उप महाप्रबंधक के पद पर रहते हुए गंभीर आर्थिक अनियमितता किए जाने के मामले में अब कार्रवाई की गई। पर्यटन मंडल प्रबंधक संचालक रानू साहू ने निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उप महाप्रबंधक रहते हुए संजय सिंह ने 2007-08 में गंभीर आर्थिक अनियमितताओं के साथ कार्य के प्रति लापरवाही बरती थी। जांच में प्रथम दृष्टा दृष्टि आपको बता दें, दोषी पाए जाने के बाद संजय सिंह को महाप्रबंधक पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ ही आगे की जांच के लिए विभागीय जांच आयुक्त को जांच अधिकारी बनाया गया। निलंबन की अवधि के दौरान संजय सिंह का मुख्यालय जगदलपुर स्थित पर्यटन सूचना केंद्र निर्धारित किया गया है। इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आपको बता दें कि अविभाजित मध्य प्रदेश में पर्यटन मंडल में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के तौर पर भर्ती हुए संजय सिंह ने भाजपा काल में तेजी से सफलता की सीढ़ियां पार की। वर्ष 2005 में पर्यटन विभाग में उप महाप्रबंधक बने, उन पर 3 वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगा है और फिर देखते ही देखते वो महाप्रबंधक बन गए। तमाम आरोपों के बावजूद 2009 में उन्हें परिवहन विभाग का संयुक्त आयुक्त बना दिया गया। वर्ष 2013 में महाप्रबंधक के तौर पर उनकी पदोन्नति निरस्त कर दी गई। अब तब उन्होंने अदालत से स्टे ले लिया था। संजय सिंह के मामले में कई स्तरों पर शिकायतें हुई, लेकिन वो अपने पद पर काबिज रहे। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
थारी बाहर माटी के दिए रख पारी ठेठरी खुर में लाई पतासा कोरो नामा काम के आसा मेल जोल में ध्यान जरूरी दो गज के रखना है दूरी हाथ लगोना बारंबार जिनकी ला जब करतन प्यार हर हाथ लाबुदा रहा है नथाली सरी मन खे पूजा राउत नाचा मुखिया जी के ही विचार जम्मो भाई बहनी लेकर सियान मन ला दिवाली तिहार के गाड़ा गाड़ा बनाए हमला बहुत सावधानी के साथ तिहार मनाए की जरूरत है। कोरोना है कतका पेरू बीमारी आए पेला तो सबो जान दूर मीन के तिहार मनाहू गोबर और माटी के दिया घर घर जलाहू आप सबो झन ला मोर ढार ले गाड़ा गाड़ा बधाई बहुत बहुत शुभकामना प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। अमित सूर्यवंशी संवाददाता जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की ओर से प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। नगर पंचायत गंडई के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षदगण एवं एल्डरमैन की ओर से आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे अलग अंदाज हम बनेंगे आप। और वहीं मध्य प्रदेश के चित्रकूट में दीपावली मेला अधिकारियों के लिए अवैध कमाई का जरिया बन गया है। दरअसल अवैध कमाई करने वाले अधिकारी पार्किंग के ठेकेदार एसडीएम के मौखिक आदेश पर अवैध वसूली कर रहे हैं। दरअसल भक्त गाड़ी से मंदिर पहुंचते हैं तो उनके पार्किंग के नाम पर जबरन पैसे लिए जा रहे हैं जिसकी उन्हें रसीद भी नहीं दी जा रही है। कितने रुपए लिए जा रही पार्किंग? 100 रुपए। और कहाँ कहाँ कितनी वसूली हो रही? सतीसोइया में भी 100 रुपए और गुप्त गोदावरी में भी 100 रुपए हो गया। हनुमान धारा जाएंगे वहाँ भी 100 रुपए। अलग अलग हर जगह 100-100 रुपए। तो आप लोग रसीद में तो 20 रुपए 30 रुपए पेन से लिख के देते हैं। अगर मना करते हैं तो क्या कहते हैं? डंडा लिए रहते हैं हाथ में। क्या लोग रहते हैं? कहाँ से आए? डंडा लिए रहते हैं, रीवा से आए। अच्छा, तो हर जगह 100-100 रुपए? हर जगह 100-100 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा के जिला अंतर्गत सोहागी थाना क्षेत्र के सोहागी टोल प्लाजा के पास एक कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। भयंकर आग के कारण गाड़ी जलने लगी। बहरहाल आग लगने के कारण अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची लेकिन तब तक गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। और वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में दीपावली की सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने निवास पर धान का झालर बांधने की रस्म पूरी की। बता दें कि बस्तर से लेकर के सरगुजा तक इस तरह के झालर आंगनों और द्वारों पर लटकाए जाने की परंपरा है जिसे पहटा और पिंजरा भी कहा जाता है। दीपावली के दौरान खेतों में जब नई फसल पककर तैयार हो जाती तब ग्रामीण धान के नर्म बालियों से
इस तरह के कलात्मक झालर तैयार करते हैं। इनसे घरों की सजावट कर वो अपने सुख समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें पूजन के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसा लोगों का विश्वास है कि उनका ये आमंत्रण उन चिड़ियों के माध्यम से देवी तक पहुंचता है जो धान के दाने चुगने आंगन और द्वार पर उतरती हैं। इस तरह प्रदेश की लोक सांस्कृतिक अपनी खुशियों को प्रकृति के साथ बांटते हैं और उसे सहेजती है। और वहीं दिवाली के त्यौहार पर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। लोग बाजारों में सामान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें सोना और चांदी ज्यादातर लोग खरीद रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसकी देवी देवताओं के लगे हुए पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाएंगे। जबकि रीवा कलेक्टर द्वारा आदेश दिया गया है कि रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकते हैं। देखिए रीवा से हमारे संवाददाता विजय त्रिपाठी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। कल श्री राम के अयोध्या वापिस आने पे दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली आते ही बाजारों की रौनक तेजी के साथ बढ़ गई है। यहाँ पे आप हमारे साथ देख सकते हैं कि दीपावली की तैयारियों को लेके और दीपावली का त्यौहार आ गया, हर जगह दीपक की बिक्री भी बढ़ रही है। दीपक की बिक्री के साथ साथ बाजारों में यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप हमारे साथ देख सकते हैं पीछे मूर्तियों की भी बिक्री तेज़ी के साथ बढ़ रही है और मूर्तियाँ भी लगाई जा चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीपक बिक रहे हैं, कोई छोटे दीपक हैं तो कोई बड़े दीपक हैं। और यहाँ पे आप हमारे साथ ये मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार दिखाएँ कि मार्केट में भीड़ भाड़ कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और दीपावली के त्यौहार में सबसे पहले तो प्रशासन को यह ध्यान में रखना चाहिए कि त्यौहार आ चुका है और त्यौहारों में आसपास के लोग बाजारों में ज़्यादातर आएंगे, लेकिन प्रशासन इस बात से अभी भी बेखबर है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जाम की स्थिति भी बाजारों में बनती है, जाम की स्थिति बाजारों में बनती है। यहाँ पे छोटी सी बच्ची आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दीप बेच रही हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे, क्या नाम है बेटा, क्या नाम है आपका? गौरी केसरी। गौरी, ये दीपक आप कितने में बेच? 10 का 20। 10 रुपए का 20 है। और ये बड़ा वाला? 10 का 12। 10 का 12। दीपावली कल मनाएंगे? हाँ। पटाखे भी फोड़ेंगे? हाँ। चलिए सावधानी के साथ फोड़िएगा पटाखे। और यहाँ पे आप हमारे साथ देख सकते हैं पीछे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं माता लक्ष्मी की और गणेश जी की प्रतिमा भी बिक रही है और यहाँ पे कुछ सजावट के सामान रखे हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ इस दुकान के ऑनर हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है भाई साहब? शिव कुमार गुप्ता। अच्छा, ये कब से आप ये माता की मूर्तियों की बिक्री कर रहे हैं? ये बहुत बहुत दिनों से हो रहा है, इसके पहले हमारे पापा लोग करते थे। और 10 साल से हम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मूर्तियां कैसे देते हैं आप? सब अलग अलग रेट की है, सब अलग। ये एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगा यहाँ पे फोकस किया, इन मूर्तियों का कितना रेट होगा? ये करीबन 80 रुपये का है। 80 रुपये का। तो ये कब से आप दुकान यहाँ पे लगा लेते हैं? ये हम धनतेरस से लगा लेते हैं। धनतेरस, आज धनतेरस का त्यौहार है और ये भी देखा जाए तो मार्केट में आज चहल पहल बहुत ज़्यादा है। आज से चहल पहल ज़्यादा बढ़ जाती है, चहल पहल बहुत तेज हो गई। तो ये कब तक दुकान आप लगाए रहेंगे? ये दीपावली तक लगेगा। दीपावली तक। तो मूर्तियों की बिक्री जल्दी ही हो जाती है या फिर आप लोगों को कुछ बहुत सारी मूर्तियां बच भी जाती हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं, बस सब दीपावली समय निकल जाता है, पूरा सब दीपावली तक में पूरा फाइनल हो जाता है, है ना? तो यहाँ पटाखे भी आप बिक्री करते हैं? नहीं, पटाखा नहीं बिक्री है, नहीं, तो सिर्फ ओनली सजावट का सामान और फूलमाला। फूलमाला बस, है ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति बेचते हैं और धनतेरस में तो विशेषकर माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। और यहाँ पे लेकिन एक चीज़ देखने वाली ये है कि मार्केट में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी तैयारी नहीं की गई है।
मार्केट में जाम लगने के चांस है। मैं चाहूँगा एक बार आप जूम करके दिखाएं, वहाँ से ट्रक आ रहे हैं, मार्केट है ये, लेकिन ट्रक मार्केट में आ रहे हैं, इससे कोई बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है, लेकिन प्रशासन इस बात से पूरी तरह से बेखबर है और यहाँ पे जाम लगातार लग रहा है। इस बात से प्रशासन को कोई भी किसी तरह से संज्ञान में नहीं है कि प्रशासन यहाँ पे जो बड़े ट्रक आ रहे हैं, बड़े ट्रकों को बाईपास के रास्ते से निकलवाया जाए। एएनबी न्यूज़ के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाना।